कटिहार जिले का बारसोई बाजार अनुमंडल का सबसे प्रमुख बाजार है और यहाँ से बंगाल की दूरी कुछ ही किलोमीटर है। बंगाल से सटे होने के कारण यहाँ के ज़्यादातर लोग बंगाल के बाज़ारों पर भी निर्भर होते हैं। बारसोई अनुमंडल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर नीम तल्ला चौक और डकैत पूजा गांव है। 2017 में ये इलाका सरकार द्वारा नगर पंचायत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ के लोगों में उम्मीद जगी थी कि नगर पंचायत होने से क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन कार्यकाल के पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी बारसोई डकैत पूजा का क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। बारसोई बाजार के नीम तल्ला चौक से डकैत पूजा सरकारी स्कूल होते हुए एक सड़क बंगाल को जाती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क लगभग 5 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है और बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। डकैत पूजा स्कूल के पास शकीला खातून का घर है। उनका कहना है कि ये रोड 4-5 साल से इसी तरह खराब है। घर से बाहर पैर रखते ही कीचड़ नजर आता है। कुछ साल पहले सड़क के किनारे नाला बनाने के लिए मिट्टी खोदी गई थी, लेकिन अब तक नाला नहीं बना है। नाले के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भर जाता है और कभी कभी छोटे बच्चे उसमें गिर जाते हैं। हम लोग का सब कुछ का दिक्कत होता है, जाने का, घूमने फिरने का, हर चीज का दिक्कत होता है। कितना दिन से खराब होगा ये? बहुत दिन से खराब हुआ है, करीब 4-5 साल से हुआ है। बाल बच्चा डूब गए, मरता है, हर कुछ होता है, नाली में घुस जाता है। हम भी घुस गए हैं नाली में। अच्छा, तो नाली में घुस जाता है? हाँ, घुस जाता है। नाली तो कई जगह बंद भी हुआ? कई जगह बंद हुआ था, पब्लिक बिगड़ा तब बंद हुआ है। पब्लिक बिगड़ा मतलब पब्लिक बंद किया? वो लोग तो खोल के लेके चल गया, पब्लिक अपना पैसा दे के तब खरीद करके दे रहा है। स्थानीय गृहिणी शहरबानो के घर के सामने सड़क पर पानी और कीचड़ जमा है। उनका कहना है कि जब बारिश होती है तो बच्चों को स्कूल जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। घर से लेकर स्कूल तक सड़क दिखाई नहीं पड़ती है। बच्चों को गोद में लेकर पानी और कीचड़ से होकर सड़क को टटोल कर जाना पड़ता है। ये हम लोगों की मजबूरी है और दिनचर्या भी बन चुकी है। बहुत बड़ा तकलीफ है। हम लोग गाड़ी उड़ी फंसाने का तकलीफ है, बाल बच्चा आता है तो वो भी तकलीफ है, स्कूल में कैसे जाएगा तो वो भी तकलीफ है, पहुँचाने जाएंगे तो गोदी में लेके पहुँचाने जाने पड़ता है, क्या करें। हाँ, बच्चों को अभी तो जैसे कल बारिश हुई होगी, अभी तो ऐसा पानी सूख गया होगा, तो सूख गया तो कैसे, बारिश का कोई कमी होता है, मगर जिस लोग का घर का बगल में जो नाला है वही ज्यादा फंसता है। शगुफ्ता परवीन डकैत पूजा स्कूल के 4th कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा है। उनके साथ बहुत सी ऐसी छात्राएं हैं जिन्हें घर से स्कूल और ट्यूशन पढ़ने के लिए उसी कीचड़ भरी सड़क से हर दिन बारसोई जाना पड़ता है। ट्यूशन गए थे? पढ़ने गए थे? हाँ। कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में। हाँ। जब आते जाते हो, जब बारिश होती है तो रास्ता तो यहाँ बहुत खराब है जी। कैसे, बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी हो जाता है, कैसे जाते हैं? पैदल ही जी। टीचर वगैरह लग जाता होगा जी। कितनी दूर है तुम्हारा यहाँ, जहाँ से पढ़ने जाते हो? थोड़ी बगल में। बगल में? डकैत पूजा गांव के स्थानीय निवासी राजबाबू का कहना है कि बारसोई बाजार के नीम तल्ला चौक से डकैत पूजा स्कूल के बीच पहले कई दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन अब ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी है क्योंकि सड़क पर पानी और कीचड़ होने की वजह से खरीदार नहीं आते हैं। अब 2-4 दुकानें ही बची हैं। कुछ लोग दुकान बंद कर परदेश चले गए और कुछ दूसरी जगह। समस्या ये है कि जब से नगर पंचायत बना है, फर्स्ट इलेक्शन 2017 में जो हुआ है, तब से ये रोड उसी हालत में चल रहा है, जब तक अभी जैसे आप देख रहे हैं अभी, और इसी के कारण से रोड के, और प्लस ये है कि नाला जो बनवाया था, नाला खोल करके कि 5 महीना पहले खोदा गया था कि नाला बनाएंगे, अभी तक 5 साल कम्प्लीट हो गया, कल 9 तारीख तक कल कम्प्लीट हो गया, अब तक नाला नहीं बना है। इसी के कारण से बच्चा शिक्षा में थोड़ा कमी हो रही है स्कूल में, तो और काफ़ी मतलब कि आपस में नाला के कारण में पानी जमा हो रहता है, तो आपस में झगड़ा होते हैं, आपस में मिलते हैं। मोहम्मद सहरुल कहते हैं कि उनके घर के सामने स्थानीय वार्ड मेंबर द्वारा नाला बनाने के लिए
महीनों पहले मिट्टी खोदी गई थी, लेकिन अब तक नाला नहीं बना, जिससे आने जाने में काफी दिक्कत होती है। जी, ये पीछे में घर मेरा, यहाँ नाला खोदा गया था, बाइक ले जाने में दिक्कत हो रहा है, पूरा मिट्टी लेके चल गया है वार्ड मेंबर, तो यहाँ मिट्टी भी नहीं भरा गया, पूरा नाला खींच के जाना पड़ता है घर में। घर में आते तो आगे रूम है, रूम से कैसे जाएंगे घर में कादा खींच के। अभी आप बोले कि मिट्टी वार्ड मेंबर लेके गया। जी, वार्ड मेंबर खोदा तो वार्ड मेंबर ही लेके जाएगा ना। अच्छा, वही खोद के मिट्टी। जी जी, मिट्टी वही ट्रक में साथ ही साथ लेके गया था। नहीं, उस टाइम हम लोग नहीं थे, जो था लेडीज लोग तो वो लोग बोलने नहीं पाया था, हम लोग काम में गए थे। और ये रोड का जो है 5 साल से खराब है, ये रोड में डेली एक ना एक एक्सीडेंट होते रहता है, छोटा मोटा बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता रहता है, आगे कोना में गाड़ी फंसता है, तो बहुत दिक्कत है ये रोड। वार्ड मेंबर लोग ध्यान नहीं रहता है, ये रोड पे जाता है महेशपुर बिघोर, आगे आपका चल जाता है बंगाल, चल जाता है रायगंज की तरफ। स्थानीय छात्र राहुल शाह बताते हैं कि ये सड़क बारसोई को बंगाल से जोड़ती है, और जब बंगाल से कोई व्यक्ति या व्यापारी बारसोई आता है तो इस सड़क की वजह से बारसोई वासियों को शर्मिंदगी महसूस होती है। आप वहाँ से लेके बंगाल तक चले ना, पूरे बंगाल, वो सड़क बंगाल को जोड़ती है, अगर कोई बंगाल से व्यक्ति आता है वहाँ पे गिर जाता है तो उसका मानसिकता बन जाता है ना कि बारसोई का सड़क बहुत गंदा है, बारसोई के लोग गंदे हैं। सड़क से तो लोगों की मानसिकता बनती है ना, रोड गंदा है तो लोग ही वैसे होंगे यहाँ के। हाँ, आप डकैत पूजा को देख लीजिए, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कम से कम एक हटवे भर का पानी लगा रहता है, बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे। जो स्थिति वहाँ बनी है आप जा नहीं सकते हैं, अगर कोई जाता है तो बाइक लेकर के वहाँ गिर जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप उस से मोहल्ले अगर आप घुसेंगे तन्वी डॉक्टर के घर से होते हुए निकलेंगे, अगर मान लीजिए सापरा होते हुए, तो वहाँ पे कम से कम 5 फीट 7 फीट पानी एनी टाइम रोड में लगा रहता है, तो नाला तो है ही नहीं कहीं बारसों में आपको, और नाला है भी तो पूरा जाम है। बस नाला का काम हो गया, खोद गया, कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, अब नाला बन रही है कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो उसको मिट्टी या तो आप नहीं बना पा रहे तो भर दो, बस वो वैसे ही छोड़ करके चले आते हैं। वो बस नाला ना बनना रहा ना दोबारा बन पाएगा, कब बनेगा पता नहीं। अब कंप्लेन हुआ है तो ठेकेदार भी मस्त है, उसका क्या 10 जगह काम चल रहा है, 9 जगह से प्रॉफिट आ रहा है, एक जगह नहीं भी आई तो क्या दिक्कत है, परेशानी तो आम जनताओं को होती है। बारसोई के निवर्तमान मुख्य पार्षद विमला देवी के बेटे रिंकू सिंह मानते हैं कि सड़क की हालत बहुत खराब है और जल्द इसकी मरम्मत की जाएगी। सही में रोड तो बहुत खराब है, वहाँ के लोगों ने हमें बुलाया था, हम लोग गए, उसके बाद हम लोगों ने लिख के दिया, विधायक जी को भी बुलाएं और सांसद जी को भी अवगत कराया, तो सांसद जी और विधायक जी ने जो पहले जो ठेकेदार था उन्हें कहा कि उसे रिपेयरिंग कीजिए, तो उनका कहना था कि ये तो रिपेयरिंग में जब तक से मुझे आदेश नहीं होगा मैं कैसे करूँगा। उसके बाद उसका फिर से उसे रिपेयरिंग में गया और आपका लगभग 17.08 लाख में वो सड़क फिर से रिपेयरिंग के लिए राशि निर्गत किया गया और 1 महीने के अंदर वो सड़क फिर से रिपेयरिंग हो गई। हाँ, कटिहार से आकिल जावेद की रिपोर्ट।